के लिए, अनु के लिए मैं ये व्रत रखूंगा। हम भी भाभी जी के लिए, मतलब अंगूरी के लिए व्रत रखेंगे। अन्न जल को छुएंगे तक नहीं जब तक कि चांद नहीं निकल जाता। तुम तो ऐसे नखरे कर रहे हो जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ तुम एक बेचारे भूखे हो। सामने देखो, सामने तिवारी जी एक मिसाल है, कितने संयम से व्रत रखा है उन्होंने। हमें खाता हुआ देख भैया की लाल टपक रही है। इका कह रहा है लड्डू, आपसे कंट्रोल ना ही हो रहा है। अरे तुम तो जानती हो लड्डू को, इसे मजा आता है कमक तुम्हारी टांग खींचने में। ऐसा फास्ट होना चाहिए कि चाहे तुम्हारे सामने कोई भरमा भिंडी की बात करे, जलेबी की बात करे, रबड़ी की बात करे, तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरा ख्याल होना चाहिए। अरे यार ये अनु क्यों खानों का नाम ले लेके मेरा मन भटका रही है यार। एक तो पहले से इतनी जोर से भूख लगी है और ऊपर से अनु इतने अच्छे अच्छे खानों की बात कर रही है, पूरी कचौरी गुलाब जामुन जलेबी चमचम, कोई कब तक अपने आप को कंट्रोल करेगा यार, दिस इज नॉट राइट। थोड़ा सा खा लेता हूं, थोड़ा बैड आइडिया। आई गॉट इट। बिबो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था ना अभी कि खाने की बात करो लेकिन कंट्रोल करो, तो मैं खाने को देख के अपने आप को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। Oh, that's so nice of you, huh? That's like my mirth. मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम जाओ आराम करो, मैं कर लूंगा। हाँ नहीं नहीं, तुमने मेरे लिए फास्ट रखा, इतना सब कुछ किया, मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें खाना दिखाती हूँ और प्रैक्टिस कराती हूँ। अभी दिखा, ये देखो सिवैया, ठंडी ठंडी सौंधी सौंधी खुशबू है इसमें। ड्राई फ्रूट्स देखो, काजू बादाम किशमिश। ये काजू है ना? हाँ। ये कचरा है, इसको निकाल दो। उसका सूंघो सूंघो सूंघो, इसको सूंघो, क्या सुगंध है। साड़ी वाले, मन की किताब से तू साड़ी तू ले लेना, बनारसी साड़ी वाले। मैं काम करता हूँ, दो साड़ी लेता हूँ। साड़ी ले लो, ओ साड़ी वाले। चेचा यहाँ देखो ना यार, ऊपर देख रहे हो, इधर साड़ी दिखाओ जरा। आपके लिए? मेरी वाइफ के लिए। हाँ। ये कितने की है? ये 500 रुपए की। दो ले रहा हूँ तो कुछ तो डिस्काउंट दो। 800 रुपया दे दीजिए। देखो ना तुम्हारी ना मेरी, ये पकड़ो 600 रुपये। एक बात समझ में नहीं आई, ये भाभी जी के लिए और ये दूसरी वाली? भाभी जी के लिए। सुनो चचा, चुपचाप साड़ी बेचो, घूंघट में झांकने की कोशिश मत करो वरना चमाट पड़ेगी। अरे माँ जी साड़ी ले लो। भाभी जी के लिए साड़ी तो खरीद ली लेकिन दूंगा कैसे उनको? चलिए जल्दी कीजिए। चलो यही मौका है, चुपचाप भाभी जी के कबर्ड में ये साड़ी रख देता हूं। जी के बेडरूम से ऐसी खुशबू आती है जैसे बेडरूम ना हो, फूलों का गुलदस्ता हो, और पीछे से तिवारी जी की गंदी बदबू भी आ रही है, बट नेवर माइंड। भाभी जी दिस इज फॉर यू, हमारे तरफ से। I like it.
ओ गॉड, सक्सेना सीढ़ी खींच के भाग गया। अब क्या करूं? आइडिया, किचन की खिड़की से भाग जाता हूं। दैट्स बेटर। अरे यार, ये सारा सामान फोन पर भी तो मंगाया जा सकता था। खाम घट टुला दिया भरी गर्मी में, वो भी भूखे पेट। अकाल लड्डू के भैया, आज तो करवा चौथ है ना, तो आज के दिन का आप हमारे साथ घूमना ही सकते हैं का? तुम बिना पगले तिवारी के बच्चे को भी अभी आना था। अब मैं क्या करूं? कूदूंगा तो हड्डी टूट जाएगी यार। अरे यार, मन को जितना बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, कमबख्त उतना ही भटक रहा है। क्या करे क्या ना करे। अरे ओ मोहतरमा, कौन है आप? दीदो भी इतने मोटे मोटे चश्मे लगा रखे हैं, फिर भी पूछ रहा कौन है आप? औरत हैं, वो भी गदराई हुई। देखो बदतमीजी कर रही हैं आप है? तो क्या तेरी आरती उतारूं कच्चे बनियान? नहीं नहीं, वो सब करने को नहीं कह रहे, लेकिन हो कौन और कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? क्या करेगा पूछ के, पीछा करेगा मेरा? मोहल्ले के बाहर ले जाके छेड़ेगा भूखा भेड़िया कहीं का? ये कैसी बातें कर रही है, हैं? आलू के भैया, कहाँ हुआ, किससे बतिया रहे हैं? हदिया। अरे देखो ना अंगूरी, ये कैसी हर्राफा औरत है, हमारी घर में हमारी बेइज्जती कर रही है। तुम कौन हो औरत? हम तुम्हारी दीवानी हैं अंगूरी। हदिया हमारी दीवानी काहे? तुम हमें बड़ी प्यारी लगती हो, बड़ी मासूम लगती हो, बड़ी गोल मटोल लगती हो। किस बैल के चक्कर में पड़ गई? अपने आसपास देखती कितने हट्टे कट्टे नौजवान घूम रहे हैं, कोई तो मिल जाता, इसे तो अच्छा ही मिल जाता छीछड़े से। ए, हमारी दहलीज पर खड़े होकर हमारी बेइज्जती कर रही है क्या? हमारे लड्डू के भैया के बारे में ऐसी बात नहीं करना, समझी? आई लव यू। ये तुम्हारे पति के बारे में उल्टा सीधा कह रही है और तुम इसे आई लव यू कह रही हो? ठीक बा। देखो चाची, निकलो यहाँ से, ऐसी बातें ना ही करना, निकलो अभी। सुनो, कुछ खाओगे का? रिश्तेदार है तुम्हारी, दावत कर लो इसकी। रहने दो अंगूरी, करवा चौथ की बख्शीश लेने आई थी, लेकिन ये कह देगा कच्चा बनियान कहीं का, फिर आऊंगी। आऊंगी। अरे यार, क्या करे। मौसम विभाग को फोन करके पूछ लेते हैं कि आखिर चांद कब निकलेगा। हेलो हेलो जी, मौसम विभाग? तो आपने क्या रेलवे विभाग में फोन लगाया था? नहीं भाई, मौसम विभाग में ही लगाया था। तो भैया ये मौसम विभाग ही होगा ना, पूछ का आ रहे हो? अरे यार, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, क्या नाम है आपका, कौन बोल रहे हैं? क्यों, हमारी शादी करवानी है? अबे बड़े अजीब टाइप के आदमी हो। खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि चांद कब निकलेगा? अरे निकल आएगा जब उसकी मर्जी होगी। अरे यार, ये कैसे जवाब दे रहे हैं आप? देखिए, हमने करवा चौथ का व्रत रखा है और भूख के मारे हमारी मतलब हमारा बुरा हाल है। अच्छा, तो मैंने आपसे कहा था कि भैया करवा चौथ का व्रत रखवा लो। अरे यार, आप सीधे सीधे काहे नहीं बता रहे हैं कि चांद कब निकलेगा? अरे भैया, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे चांद मेरा रिश्तेदार है। तो मुझे ही पूछ के निकलता है कि भैया कल मैं इतने बजे निकलूंगा। अरे तो आपको मौसम विभाग में क्या गुहिया छीलने के लिए रखा है? महोदय, आपने एकदम सही बात की, हमें यहाँ घुइया छीनने के लिए ही रखा है। आप बोलो। अजीब आदमी है यार।
क्यों बार बार डिस्टर्ब करते हो? फिर से काम भी नहीं करने देते। एक तो यहाँ पर भूख से बुरा हाल हो रहा है, ऊपर से ऐसे बदतमीज लोग। यार इतने नखरे तो ईद का चांद भी नहीं करता है, क्यों इतना भाव खा रहे हो यार? हमारे बीवियों से मिले हुए हो क्या यार? पेट के चूहे कूद कूद के थक के सो गए हैं, इतनी भूख लगी हुई है यार। कम ऑन, दिस इज नॉट फेयर। कम ऑन चांद यार, कम ऑन, शो मी योर फेस, कम ऑन। पागल यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पागल यूनियन जिंदाबाद। सारी मशीन घटिया है, घटिया है, घटिया है, पूरी तरह से घटिया। कोई नहीं, सब चले गए घर अपने। हाँ सक्सेना जी, कहाँ से आ रहे हैं आप ये? भैया ये हम, हमारी जो पागल यूनियन है ना, उसकी रैली थी, वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा, पागलों की भी रैली होती है? क्यों भैया, पागल इंसान नहीं होते क्या? आप लोग का क्या एजेंडा क्या था, मतलब क्या डिमांड्स क्या थी आपकी? भैया जितने भी इंडिया में पागल खाने हैं ना, उसमें जितनी भी शॉक देने वाली मशीनें हैं, इतनी पुरानी हो गई, इतनी सड़ गई हैं, इतनी घटिया हैं कि शॉक लगता ही नहीं, बिल्कुल झटका नहीं लगता भैया। हमारी डिमांड यही है कि नई मशीनें लाओ, पुरानी को बदलो, नई मशीनें चाहिए तब लगेंगे झटके। हमारी मांगे पूरी करो, घटिया है वो मशीनें, हमारी मांगे पूरी करो। सक्सेना जी रैली खत्म हो चुकी है, आसपास कोई भी नहीं है। सक्सेना जी क्या आप मेरा एक काम करेंगे? बदले मुझे क्या मिलेगा भैया? एक जबरदस्त शॉक। काम क्या है? आइए मेरे साथ। I like it. चक्कर आ रहे हैं यार, इतना सारा दिख नहीं रहा कुछ। हेलो भैया, आप रेडी है ना? यस आई एम रेडी। चलिए ऑल द बेस्ट। हाँ ओके भैया। तिवारी जी, तिवारी जी। अरे क्या है भाई, क्या? तिवारी जी। अरे आ रहे हैं यार, क्या बात है? तिवारी जी मैंने हम दोनों के लिए चांद का जुगाड़ कर दिया है। चांद का जुगाड़ कर लिया है, क्या मतलब? 2,500 ढीले करिए और चांद देखिए, बोलिए क्या बोलते हैं? 2,500? अच्छा समझ गए यार, दे देंगे यार, वैसे ही भूख बहुत बढ़ गई है। चल निकलवाइए चांद। भाभी जी को आवाज लगाइए, चांद दिखाइए। हाँ अंगूरी। अनु डार्लिंग देखो चांद निकल आया बेबी। अरे जल्दी आओ, चांद निकल आया अंगूरी। क्या बात कर रहे हैं नटू के भैया? अरे आओ ना। चांद इतनी जल्दी कैसे निकला है, अब तो हम तैयार भी नहीं हुए। अरे जल्दी कहाँ निकला, इतनी देर से निकला है। क्या हुआ? देखो चांद निकल आया है। अरे इतनी जल्दी चांद निकल आया? वो चांद की मर्जी है, जब चाहे तब निकला है। कहाँ है दिखा? अरे वहीं पे था, अभी वो क्या है कि वो बादलों के बीच में छुप गया, पर देखते रहना वहीं पे निकलेगा। अभी तो थोड़ा बादलों के पीछे छिपा, अभी निकलेगा देखना। ये देखो निकल। अरे अब जैसा भी निकला है जल्दी से जल चढ़ाओ ना, जल चढ़ाओ। क्या कह रहे हैं तिवारी जी आप? करवा चौथ के दिन चांद को जल चढ़ाया जाता है, और ये चांद क्या, मुझे तो किसी एंगल से कोई भी ग्रह नहीं नजर आ रहा है। नंगी तार बेबी, चांद जैसा ही है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, बट इट इज गुड, इट्स लाइक चांद ओनली, यू नो। देखो देखो वो देखो। हटिया ये चांद इतना हिलका ही रहा है। I like it.
हत्या इस सक्सेना जी चांद पर पहुंच गए का अब भी आई लाइक इट की आवाज आई सक्सेना जी है सक्सेना जी बाहर निकलिए हां हां भाभी जी आ रहा हूं आ रहा हूं जी जी भाभी जी सक्सेना जी क्या मजाक है क्या मजाक है ये अरे भाभी जी ये मजाक मुझसे करवाया गया है किसने कराया आपसे मजाक विभूति भैया ने आई लाइक इट आई एम सॉरी आई एम रियली जेन्युइनली सॉरी मैं यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि आज करवा चौथ है इसलिए तुम्हें माफ कर रही हूँ अब ये कब निकलेगा चांद हथियार निकलेगा ना इतना सा भी कंट्रोल नहीं कर सकते प्यार में आएगा चांद आएगा भी तो हम तो तैयार भी होना है ना अरे जाओ ना तैयार हो जाओ तिवारी जी मिस फायर हो गया ये पगलेट के चक्कर में और जिदस बड़े आए चांद का जुगाड़ कर लिया साले 2500 का चुगना लगा दिया है आज ना निकलना मालूम पड़ गया ना तुम्हें विभूति ने व्रत रखा है आज रोज निकल जाते हो 7 बजे ये चांद मेरा दम निकाल के निकलेगा माय गॉड पिप्पू कैसी लग रही हूँ मैं बेबी भूखे पेट भी तुम कयामत लग रही हो माय गॉड क्या बात ब्यूटीफुल आए 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 विपु नाटक तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुमने 20-25 दिन से कुछ खाया ना हो अब इतनी भूख लग रही है तो जाओ खा लो खाना मैंने थोड़ी ना रोका है डार्लिंग तुम्हारे प्यार में रखा है मैंने ये जो व्रत रखा है तुम्हारे प्यार में रखा है और मैंने जो सुबह से नहीं खाया तो अब क्यों खाऊंगा मैं मर जाऊंगा लेकिन चांद देखे बगैर नहीं खाऊंगा आई लव यू बेबी आई लव यू मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊ नहीं जाओ भूख लग रही है खाना खा लो जाओ नहीं स्वीटी मैं आज चांद को देखे बगैर कुछ भी नहीं खाऊंगा कुछ भी नहीं हदिया चांद निकल आया चांद निकल आया अनीता जी जल्दी आइए देखिए चांद निकल आया देखा तुम्हारे करहाने से चांद भी पिघल गया चलो अब बेबी जरा हाथ दो मुझे अपना कोई हाथ बात नहीं पूजा की थाली कौन पकड़ेगा लड्डू के भैया देखिए चांद निकल आया देखिए चांद निकल आया चांद आखिर तू निकल ही आया वरना हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी तुझे क्या मालूम कि तुझे चाहता है कोई चकोर तिवारी जी हेलो तिवारी जी हाय अनीता जी चलिए चलिए रसम शुरू करें हाँ हाँ रसम शुरू करते हैं आओ हाथों में
जानते हैं हम आपके लिए भोजन में काका बनाए हैं। काका बनाए हैं पगली? हम आपके लिए छोले बनाए हैं, पनीर के पकौड़े बनाए हैं। विभू, आज मटर पनीर बना है, बूंदी का रायता और मलाई कोफ्ता और जलेबी। भाभी माँ, अरे भाभी जी, कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं है कुछ। अका? आप दोनों के किचन की खिड़कियां खुली हुई थी तो मैंने आप दोनों के घर का खाना खा लिया है। आई लाइक इट। विभू,